नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को हिला दिया था बल्कि पूरी राजनीति को उथल पुथल कर दिया था। इंदिरा गांधी का वो फैसला जिसकी आज तक लोग आलोचना करते नहीं थकते। दरअसल आज इमरजेंसी की 50वीं बरसी है। आपको बता दें कि इमरजेंसी कांग्रेस के दामन पर एक ऐसी कालिक है जो आज तक साफ नहीं हुई है। विरोधी लगातार इंदिरा गांधी के उस फैसले को लेकर कांग्रेस को घेरते रहे हैं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाई, विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया, फिर शुरू हुआ मनमानी फैसलों का दौर। इमरजेंसी के दिनों में संजय गांधी ने एक बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने भारत में अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने का मन बना लिया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी ने 1976 के मध्य में अपने करीबी डीके बाउरा, रजनी पटेल और सिद्धार्थ शंकर रे से इस मामले पर राय मांगी। तीनों ने एक दस्तावेज तैयार किया जिसमें यह बताया गया था कि भारत में राष्ट्रपति शासन प्रणाली कैसे लागू की जा सकती है। बकौल चौधरी, इस दस्तावेज में कहा गया था कि संविधान को एक नई संविधान सभा में ले जाकर भारत में अमेरिका की तर्ज पर प्रेसिडेंशियल रूल यानी राष्ट्रपति शासन लागू प्रणाली की जा सकती है। प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत में सीधे राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए और प्रेसिडेंट के पास अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा शक्ति हो। देश की किसी एजेंसी के पास राष्ट्रपति की जांच अथवा उनसे पूछताछ का अधिकार न हो। चौधरी लिखती है कि ये डॉक्यूमेंट A.R. अंतुले ने तैयार किया था। वो लंदन से वकालत की पढ़ाई करके आए थे और 1962 से 76 तक महाराष्ट्र राजनीति में सक्रिय रहे, फिर केंद्र में आ गए और इंदिरा के करीबी बन गए। आगे चलकर वो महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। चौधरी लिखती है कि भले ही अंतुले ने वो दस्तावेज तैयार किया था पर उसको गुप्त रखा गया था। इंदिरा से होते हुए वो डॉक्यूमेंट राजीव गांधी और उनके करीबियों के हाथ लग गया। संजय के करीबियों ने उन्हें सुझाव दिया था कि मौजूदा संसद को संविधान सभा में बदलकर आसानी से ये प्रस्ताव पारित कराया जा सकता है। संजय गांधी इस प्रस्ताव को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे 4 बड़े राज्यों की विधानसभा में प्रस्तावित भी पास करवा लिया। हालांकि इंदिरा को ये पसंद नहीं आया और वो बहुत नाराज हुई। चौधरी लिखती है कि कुछ नेताओं की राय है कि संजय गांधी चुनाव से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते थे। संजय के करीबी बंसीलाल जोर शोर से इसकी तरफदारी करते थे। बंसीलाल ने इंदिरा के चचेरे भाई बीके नेहरू से कहा कि हमें चुनाव जैसी बेवकूफी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना चाहिए। हमारी बहन इंदिरा को हमेशा के लिए राष्ट्रपति बना देना चाहिए, इसके बाद हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि संजय गांधी का ये प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। इंदिरा गांधी और संजय गांधी आपातकाल में संविधान नहीं बदल पाए लेकिन संविधान में तमाम संशोधन कर डाले। इमरजेंसी के ठीक बाद 25 जुलाई 1975 को 38वां संविधान संशोधन लाया गया जिसके जरिए न्यायपालिका से इमरजेंसी की समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। फिर 2 महीने बाद 39वां संशोधन लाया गया जो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बरकरार रखने के लिए था। इस संशोधन के जरिए कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति जांच का अधिकार छीन लिया गया। एक तरीके से न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार ने 42वां संविधान संशोधित किया जो सबसे विवादित था। इसके जरिए मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता दी गई। आसान शब्दों में कहें तो इस संशोधन के जरिए आम आदमी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था कर दी गई। आपको बता दें कि साल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राज नारायण को करारी शिकस्त दी थी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। 12 जून 1975 को हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी माना। उनका निर्वाचन अवैध हो गया और 6 साल के लिए उनके किसी भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई।
कोर्ट ने केवल इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने की इजाजत दी। आखिरी फैसला आने तक उन्हें सांसद के तौर पर वोट डालने का अधिकार नहीं था। इतना ही नहीं, एक दूसरा कारण यह भी था कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो काफी तेजी से बढ़ रहा था। जेपी ने कोर्ट के इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटाने के आदेश का हवाला देकर स्टूडेंट्स, सैनिकों और पुलिस से सरकार के आदेश न मानने का आग्रह किया। इन सब से इंदिरा गांधी काफी नाराज हो गई। उन्होंने बिना कैबिनेट की मीटिंग के ही आपातकाल लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी। इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने 25 और 26 जून की मध्यरात्रि ही अपने साइन कर दिए। इसके बाद पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।